के आनंद की। देखो कभी श्रीमद भागवत में कभी सौनता देखी लोग सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न किया। कितना प्रश्न किया था? 6 प्रश्न। 6 प्रश्न में एक प्रश्न उसमें था कभी कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। कलयुग में भगवान हमें सबसे सरल उपाय किया है, भगवान हम मिल सके। आप बोलोगे भगवान मिलने से क्या होगा, भगवान मिलने से क्या होगा। एक जो जीव है हम सबके सब ईश्वर अंत जीव अविनाशी, हम सबके सब भगवान की संतान है। इसलिए जब तक हम उनकी सेवा नहीं करके, जब तक हम उनसे मिल नहीं सकते हैं, तब तक इस संसार में हमें शांति शुरू नहीं मिलेगा। जैसे देखो, जैसे एक दिया जलाओ, आप बताओ दिया का लोग किधर जाएगी, बोलो आप किधर जाएगी, ऊपर क्यों जाएगी, इधर उधर क्यों नहीं जाता, ऊपर क्यों जाएगा। बोले कारण है उसका जो मूल मूल है वो सूरज है, मूल अग्नि सूरज है। सूरज होने के नाते वो उस तरफ में जाना चाहता है। जैसे एक पत्थर में से मिट्टी ऊपर में फेंको वो किधर आएगा, नीचे क्यों आएगा, इधर उधर क्यों नहीं जाएगा। क्योंकि उसका जो मूल है वो मिट्टी है, उसका एक टुकड़ा ये मिट्टी है, ये वो उधर जाना चाहता है, ठीक है ना। जैसे पानी डालो वो पानी किधर जाएगा, नहीं जाएगा ना, नीचे कहाँ जाएगा, पहले नाली में मिलेगा, फिर वो नाली जा करके किसी नदी में मिलेगी, फिर जा करके लास्ट में वो समुद्र में मिलता है ना। क्योंकि जो पानी है ये सूरज को जरा बाष्पीभूत होकर के वो मेघ बनता है, वो मेघ पर जगत में आती है पानी बन करके। ये पानी लास्ट में जाकर कहाँ मिलेगा, वो समुद्र में मिलेगा जाकर, क्योंकि वो आया कहाँ से, वो समुद्र से। उसी तरह देखो हम जो जीवन में हम सुख चाहते ना दुख चाहते हैं, बोलो जीवन में हम क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं ना, दुख कोई चाहता है, कोई दुख को कोई निमंत्रण कभी दिया, घर में दुख आ जा दुख आ जा, कोई निमंत्रण नहीं देता है। लेकिन देखना बिना निमंत्रण के घर में दुख आ जाता है, तो चाहता है नहीं लेकिन दुख आती ही नहीं, आ जाती है। लेकिन प्रश्न है अरे हम सुख क्यों नहीं चाहते, सुख क्यों चाहते, कारण क्या। तो जो कारण है भगवान जो है वो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सचित और आनंद स्वरूप है। और हम लोग कौन है, कहते ईश्वर अंत जीव अविनाशी, हम भगवान की अंश है। अंश होने का नाते देखना वो सारे गुण, जैसे पिता माता का गुण बच्चे को अंदर में होता है ना। हम कहते ना देखो बच्चे का जो चेहरा है उसको माँ की चेहरा में मिलता है, फिर बोलते ना उसका पिता चेहरा देखो उसको पिताजी की चेहरा साथ मिलता, बोलते ना। कभी कभी देखना पिता माता का दोनों चेहरा ये बच्चे में आती है, आती है कि नहीं, आती है कि नहीं, आती है ना। इसलिए भगवान की जितने गुण है ना वो सब हमारे अंदर में। देखो भगवान कैसे हैं, भगवान सत्य स्वरूप, सब भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप होने के नाते भगवान का कहीं तस्वीर देखो ठाकुर की, भगवान कहीं बूढ़े रूप में कहीं नहीं देखो। इसलिए इनका जो स्वरूप है नवर किशोर नगर हर समय ईश्वर ऊपर 14.5 साल से ठाकुर का उम्र कभी ज्यादा नहीं होता है। भगवान राम ने 11,000 साल तक राजवत की है, लेकिन भगवान की राम का रूप में कभी बुढ़ापा नहीं देखोगे, कभी उनको मोचे नहीं देखोगे, कभी उनका दाढ़ी नहीं देखोगे। भगवान कभी बूढ़े हुए हैं रामचंद्र नहीं हुए, कृष्णा 125 साल तक थे कभी बूढ़े हुए नहीं हुए। इसलिए लेकिन हम भी चाहते हैं हम भी कोई बूढ़े नहीं बने, बताओ कौन बूढ़ा बनना चाहता है, कोई बूढ़ा बनना चाहते हो, बुढ़ापा को कोई नहीं चाहता है। लेकिन आश्चर्य की बात है आप देखना शीशा में अपना चेहरा को देखो, शीशा में भले ही कितने हम उम्र क्यों नहीं हो जाए 50, 60, 70 साल, लेकिन जब उस शीशा में अपना रूप देखते हैं ना, कोई सोचता है हम इतने उम्र के हो गए, आप ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हो, क्यों जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, शीशा को सामने खड़े होकर इतना सुंदर श्रृंगार क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, जीव में क्यों जाते हैं, ये
बाल जब काला हो जाता है तो बाल जब सफेद हो जाता है तो उसको कलर क्यों करते हैं? कलर करते थे ना, क्यों करते हो? कोई बुढ़ा बुढ़ी बनना नहीं चाहते, कारण क्या है? कारण जो हमारे जो मूल जो भगवान कृष्ण है वो हर समय ईश्वर उम्र में रहते, कभी बूढ़े नहीं होते, इसलिए हम भी हमारे अंदर में वही वृत्ति है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हम भी MA PhD डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक मूर्ख हो अगर जिसको बोल दो ना तेरा दिमाग नहीं है, बोले मेरा नहीं ना तेरा नहीं, वो भी अपने आप को मूर्खो किसको बेवकूफ बन दो, किसको बेवकूफ बोल दो, देखना कितना भर ही जाएगा, बोले मैं बेवकूफ ना तू बेवकूफ, क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप है। इसलिए हम जीवन में क्या चाहते हैं? आनंद ही चाहते, कोई दुख कष्ट नहीं चाहते, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न है, इसलिए कहते हैं जीव जब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर ले, जब तक ये जीव ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर लेना तब तक ये बुढ़ापा नहीं पड़ेगा, ये अज्ञानता नहीं छोड़ेगी, आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए भगवान का जितने सखियों को देखना और भगवान का जितना सखाओं को देखना, ना 10, 11, 12 साल उससे उम्र ज्यादा है, उससे ज्यादा उम्र उनके है ही नहीं। क्यों? उन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया, ठाकुर को प्राप्त किया है, इसलिए वो कोई बूढ़े नहीं बनते हैं। इसलिए इसका प्रश्न है कलयुग में हम भगवान को कैसे भगवान को पा सकते हैं? कलयुग में ठाकुर जी को जब तक ये जीव ठाकुर जी को प्राप्त नहीं करता है तब तक ये जीव का दुख कष्ट खत्म नहीं होने वाले नहीं है। जबकि भगवान को प्राप्त कर लेगा उसको सारे दुख कष्ट बीमारी सब उसकी खत्म हो जाएगी। इसलिए इनका प्रश्न है कलयुग में ये जीव ठाकुर को कैसे प्राप्त कर सकता है, कलयुग में ठाकुर को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए इसका उत्तर श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, बोले एतद् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकोटभयम् योगिनां नृपनिर्मित हरे नामानुकीर्तन। जो भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा, भगवत प्राप्ति के उन्होंने सबसे सरल उपाय रखा, उनको पता है कलयुग का जो जीव है इतना साधन वजन कठोर साधन वजन नहीं कर सकते, इसलिए बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं। कि जो हरे कृष्ण आप कांत बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बच्चों के बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भैया हरिनाम को करो। अभी प्रश्न होता है हरिनाम किसको करनी चाहिए? आप बोलोगे हम माया में पढ़ेंगे दुख कष्ट पा रहे हैं इसलिए हम भगवान का नाम कीर्तन करते हुए नहीं, बल्कि तक विद्यमानानां कहते जो व्यक्ति ये संसार से मुक्त हो गए हैं वो भी ठाकुर का नाम ही जप करते हैं। जैसे हनुमान जी वो तो माया से मुक्त है ना, लेकिन दिन भर क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता, कभी वो मुक्त अवस्था में भी नाम करते हैं। इसलिए शंकर जी माया से मुक्त, शंकर जी क्या करते हैं? बोले पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरारी, शंकर भी पंचमुख में क्या करते हैं? भगवान का नाम जप करते, वो भी माया से मुक्त है, वो भी माया से मुक्त है शंकर जी। गणेश माता देवी हैं, एक दिन माता देवी शंकर जी से प्रश्न करती है, बोले प्रभु हमें किसकी भजन करनी चाहिए, किसका नाम लेनी चाहिए? शंकर जी को प्रश्न करती है, शंकर जी उत्तर क्या देते हैं? बोले पार्वती, बोले राम रामेती रमेती रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम वरम। शंकर जी कहते हैं सुंदरी पार्वती, बोले राम रामेती रमेती रम रमे मनोरमे
भगवान राम का जो नाम है बड़ा मीठा नाम है, उसमें हमारी मन रम जाए। अगर 1000 कोई विष्णु का नाम लेता है उसको जो फल मिलेगा, अगर एक बार श्री राम का नाम लिया तो फल मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस्त्र नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जय प्रिय संग भवानी। शंकर जी पार्वती को इतना प्रेम क्यों करते हैं? अब देखना शंकर जी पार्वती को कभी गोद में बैठा कर रखते हैं, पार्वती को देखना करते हैं शंकर जी अपना गोद में लेकर बैठते हैं। भागवत में पढ़ो जब चित्रकेतु महाराज जा रहे थे देखा शंकर जी पार्वती को गोद में लेकर बैठे हुए, बात उसने उन्हें प्रश्न छेड़ दिया हमको, बोले भैया पत्नी को तो एकांत में गोद में लेकर बैठते हैं, ये ऋषि मुनियों को बीच में आप इतने बड़े देवदेव महादेव होकर गोद में लेकर क्यों बैठे हो? दुनिया क्या बोलेगा तुम देवदेव महादेव हो और पार्वती को सबको ऋषियों को उपदेश दे रहे हो पत्नी को गोद में लेकर बैठे हो? उन्होंने छेड़ दिया किसको? किसको? शंकर जी को। माता पार्वती को इतना क्रोध आ गया, बोले यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए ये कुछ नहीं बोल रहे, तुम बोलना भी कौन होते हो, जा तू राक्षस जन्म में चले जा। पहुंचा दे दिया उसको। अभी प्रश्न होता है पहले शंकर जी माता पार्वती को गोद में लेकर क्यों बैठे हुए थे? इसका कारण बताए, अगर कोई एक बार ठाकुर का नाम ले किसी है किसी दुनिया की एक कोने में क्यों नहीं हो, एक बार अगर कृष्ण और राम का नाम लेते हैं ना शंकर जी जहाँ रहते हैं वो वहीं से उनको प्रणाम करते हैं। शंकर जी क्या करते हैं उनको? वो प्रणाम करते हो कहीं भी क्यों नहीं हो उनको शंकर जी प्रणाम करते हैं। इसलिए जगत में जो भगवान का नाम जब करते हैं माता जी दोनों बैठे तो बात करेंगे कथा सुनने के लिए, एक को पीछे एक आगे कर एक बच्चे को आगे करते तो माता जी एक को बेटी को एक रखिए माँ के आप बच्चे कर वृंदावन बिहारी लाल की। देखो इसलिए शंकर जी क्या करते हैं उसको पीछे ले, शंकर जी क्या करते हैं उनको प्रणाम करते हैं। शंकर जी जो एक बार श्री कृष्ण नहीं तो राम का एक बार नाम करने पर श्री भोले बाबा उनको क्या करते हैं प्रणाम करते हैं। इसलिए कृष्णा अर्जुन को कहते हैं, बोले अर्जुन मेरे नाम को कौन ले सकता है? बोले सभी मेरे नाम को नहीं कर सकते हैं। बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर जनम तन्मुखे हरि नामानी तथा विष्णु भारत। हे अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम को जप कर सकते हैं कौन? बोले जनई पूर्व सत जन्मम, जिसने पूर्व जन्म में हर जन्म तक जितने निष्कपट रूप में ठाकुर को सेवा पूजा किया है वही व्यक्ति इसी जीवन में भगवान के नाम को वही जब कर सकता है। सभी का मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा, लेकिन ना लोग बैठ जाए तो दुनियादारी की कितने बात है, उसको साथ 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 को साथ उनको बगलती नहीं, उनको बैठे बैठे में लड़ाई झगड़ा कितने सारी बात है लेकिन बोलो बात मतलब। इसलिए बोलो किसको थोड़ी सी हरि नाम करो थोड़ी सी हरि भजन करो, बोले समय का हमारे पास में समय का भजन करने की समझ रहे हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये मेरे नाम को सभी नहीं ले सकते हैं, बोले करोड़ों जन्मों का पुण्य से कोई भगवान का नाम लेगा, नहीं तो प्रभु का नाम कोई पापियों को मुंह से तो प्रभु का नाम ही नहीं निकलेगा है नहीं निकलेगा। इसलिए शंकर जी अगर कोई एक बार कृष्ण नहीं तो राम का नाम ले शंकर जी जहाँ हो वही से प्रणाम साष्टांग दंडवत करते। लेकिन अगर जो व्यक्ति हर समय प्रभु का नाम लेती इसलिए पार्वती क्या करती है आठ हाथ में माला है आठ हाथ में उनकी माला है माला जब करती है करते सहस्त्र नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जयी प्रिय संत भवानी। इसलिए माता पार्वती हर समय माला में एक बार हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे। इसलिए शंकर जी पार्वती को जो एक बार नाम लेने पर प्रणाम करते, जो हर समय नाम लेते हैं, इसलिए शंकर जी की पार्वती इतना प्रिय क्यों, कारण क्यों, बोले दिन रात पार्वती भगवान के नाम जप करती है, इसलिए शंकर जी हर समय तो गोद में बैठा करते। मतलब है जो भगवान के नाम जप करेगा ना, शंकर जी कहते भैया उसको तो हर समय मैं गोद में बैठा करता, क्योंकि मेरे बड़े प्रिय है जो भगवान की भजन करते हैं, है? भजन करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान के नाम को कौन कौन लेते हैं, बल्कि माना नाम संपूर्ण रूप में संसार से जो मुक्त है, सुखदेव गोस्वामी को देखो, चैतन्य महाप्रभु को देखो, है चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, इमिल तला में बैठ करके और इमिल वृक्षों को नीचे बैठ करके क्या करते थे, वहां भी ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जीव की बात छोड़ दो, भगवान खुद अपना नाम ले। अब बताओ ये हरिनाम किसके मुंह से निकली है, सर्वप्रथम ये हरिनाम को किसने उच्चारण की है, बोले राधा रानी के मुंह। सबसे पहले ये हरे कृष्ण महामंत्र श्री राधा रानी के मुंह से ये नाम सबसे पहले, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। इसलिए कहते इतत निर्विच्य माननम, बोले इच्छता अकूत भय, कहते अगर कोई व्यक्ति जीवन में अभय में रहना चाहते, जीवन में सुख शांति में रहना चाहते हैं, इच्छता अकूत भय अभय पाना चाहते, क्या करो, हरि का नाम जप करो। किसका नाम जप करो, हरि का नाम जप करो। देखो प्रहलाद को देखो, उसको पिता उसको मारने के लिए क्या नहीं किया, पहाड़ के ऊपर में फेंक दिया कि नहीं, लेकिन वो हर समय क्या करता था, ठाकुर को नाम लेता था, ठाकुर गोद में पकड़ लिया, उसको अग्नि में बैठा दिया, उसका बहन की होलिका, जब किसी तरह से प्रहलाद मर नहीं रहा था, एक दिन होलिका आई, देखा हिरण्यकश्यप को बड़े दुखी होकर बैठा हुआ, बोले भैया क्या बात है, तो दुखी क्यों, बोले क्या बताओ, ये इसका ये इतना छोटा सा बच्चा, सारा दुनिया मेरे डर से कांप रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा बच्चा कोई डर भाई नहीं, कोई डर भाई नहीं, उसको मारने के लिए कोशिश करता मरता नहीं, बोले चिंता मत करो, मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है, मेरे को ये आग जला नहीं सकती है, एक काम करो आग पिता सजाओ, उसको मैं गोद में बैठ कर बैठ जाऊंगी तो आग लगा देना, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन जब आग लगाई ना बड़े जोर से चीख होगी, जोर से बोले बचाओ बचाओ, फिर मैं कसुर से प्रहलाद खत्म, लेकिन जब आग खत्म हो गई ना, देखा प्रहलाद तो जैसे एयर कंडीशनर रूम में जैसे बैठा हुआ, और होलिका जल करके राख हो गई, क्यों उसको क्यों जला नहीं सका, कारण है वो भगवान के नाम को ले रहा था, ठाकुर जी की नाम को जप कर रहा था, जो भगवान के नाम जप करते हैं ना, अग्नि भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अग्नि एक देवता है, अग्नि एक देवता है, और जो भगवान कहते ना जहाँ पे जाके खाइया जगह मार पकड़ना, और बाल ना भाका कर सके जो जगह गई भाई, इसलिए भगवान के आश्रय लेने पर ये अग्नि भी तुम्हारी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए कहते इच्छतां अकूत भयम्, अगर जीवन में कोई अभय बनना चाहते हैं तो क्या करे, बोले भगवान की नाम जप करे, भगवान की नाम किए, वो कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु,
सागर को लांग सके ना बिना पुल के राम। बाहर आज पे का गुरु जी
अब गुरु जी को देखते चरणत प्रणाम किया। जब उन्होंने प्रणाम किया बोले गुरु जी क्या बात, बोले बात क्या है, बोले मेरी नहीं ये संत समाज की अपमान। बोले क्या हो गया गुरु जी, बोले ये सुकांत ने सब संत बैठे हुए थे लेकिन बीच में मेरे चरणों को स्पर्शन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, भगवान राम तो बिगड़ गए। बोले जिस दुष्ट ने मेरी गुरु जी की चरण में सार नहीं नवाया कल सार सूर्यास्त के बाद में सार काट दूंगा। अभी ये बात सारा दुनिया में चली गई, अभी सुकांत को बात में भी बात गई, सुकांत उस पर काम हो गए। अरे भगवान ये नारद जी क्या लड़ाई झगड़ा लगा दी, मेरे को बोल दिए प्रणाम मत करो और भगवान अगर प्रतिज्ञा करते हैं जिसका सर नाच पे कौन रक्षा कर सकता है, कितना जाके आगे साइया और जाके मारे साइया राख सके राख लगना सही। अभी तो वो डर गए, वो कितने डर गए, नारद को ढूंढे नारद जी कहाँ क्यों लड़ाई लगाया, लेकिन नारद जी मिले ही बोले ये भगवान जब ढूंढ रहे नहीं रहता तब तो मिल गए, जब ढूंढ रहा हूँ तब मिल भी रहे। ढूंढते ढूंढते बड़े कष्ट से नारद जी मिले। जब नारद जी मिले बोले नारद जी क्यों लड़ाई झगड़ा लगाया, बोले क्या हो गया, बोले ठाकुर जी आपने बोला प्रणाम मत करो, प्रणाम नहीं किया, ठाकुर जी प्रतिज्ञा किया कल सरे सवेरे मेरे सर को काट डाले कल तो मैं मरा जाऊंगा। बोले भैया जगत मरते जगत बताओ कौन नहीं मरेगा, एक सबको मरना पड़ेगा, एक सबको तो मरना पड़ेगा। बोले मैं तो मरना नहीं चाहता। बोले पूछो किसको कोई जगत में मरना चाहते हो, बोलो कौन मरना चाहते हो, कोई मरना चाहते हो, कोरोना आया तो सब घर में बंद कर दिया ना, कोई घर के बारे बाहर नहीं निकले। बोले क्यों, कोई मरना नहीं चाहते हैं। बोले दुनिया में कौन मरना चाहता, दुनिया में कोई मरना नहीं चाहते। बोले मैं तो मरना नहीं चाहता। बोले एक काम करो। बोले क्या है, बोले जाओ हनुमान की माँ अंजना घर में चले जाओ, उनका चरणा पकड़ लेना है और उनसे बोलना रक्षा करने के लिए, डायरेक्ट नहीं बोलना, राम मारना चाहते तो ये बोलना है, ये बोलना मेरे को राम मरवाना चाहते हैं, मेरे को रक्षा करो। इतने में वो गई अंजना के चरण में गिर पड़े, माताओं का हृदय तो कोमल, पुरुष सबसे ज्यादा माताओं के हृदय कोमल होता है, उनके हृदय पिघल गया। जब पिघल गया बोले बेटा बताओ क्या बात है, बोले भगवान राम मेरे को कल हैं, कल भगवान राम मेरे को मरवाना चाह रहे हैं, मरवाना चाह रहे, इसलिए मेरे को रक्षा करो माता जी। बोले काम कर जाओ अंदर में बैठ जाओ, हनुमान को आने दो। अभी हनुमान जी प्रभु की चरण सेवा करके ये शाम को आए, देखा माता जी बड़ी दुखी होकर दरवाजे में बैठी। बोले माता जी हनुमान जी जो बेटा रहते हैं, अगर किसकी माता दुखी हो फिर हनुमान को रहना नहीं रहना बराबर, बताओ क्या दुख है। बोले बेटा एक शरणागत व्यक्ति को रक्षा करना पड़ेगा। बोले भैया चिंता क्यों करते हो, तेरे बेटा हनुमान है ना, तो चिंता क्यों करते हो। बुलाया सुकांत को बुलाया, बोले बेटा बताओ क्या हो गया। बोले कल राम मेरे को मारना चाहते, तो तू तो पहले बोल रहा था राम मेरे को मरवाना चाह रहे, तो तुझे मारना क्यों चाह रहे, तू तो कल उल्टा बात बोल रहा था है, उल्टा बात बोल रहे राम मारना चाह रहे। हनुमान तो बच गया, अगर और किसको तरह मरवाना चाहते तो हनुमान युद्ध कर सकता था, लेकिन राम अगर स्वयं किसको मारना चाहते तो उससे कौन रक्षा कर सकता है, उसे तो कोई रक्षा कर नहीं सकता। अभी हनुमान बीच में फंस गया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले चल सवेरे होते ही बोले मेरे साथ में चल, मेरे साथ में लेकर के बोले मेरे पूछ कर नीचे बैठ जा। आज दोनों बैठ करके ना बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन पहुंचा अंजना जी के घर में। बोले वो गया कहां सुकांत, बोले पता नहीं किसी बंदर को साथ में चला गया।
मतलब संदर्भ साथ में समझ गए हनुमान का काम है। ढूंढते ढूंढते पहुंचे, देखा हनुमान जी को सूच कदी से बैठे हुए और दोनों क्या कर रहे हैं, हरि का नाम जप कर रहे हैं। तो नाम जप कर रहे हैं, इतने में भगवान राम अपना धनुष बांध उठाया। तो भगवान की बाण कैसे है, उदाहरण दिया, जब वो तीर को स्पर्श करते हैं और एक गुणा होता है, लेकिन जब निकालते हैं ना वो होता है तो सौ हो जाता है, जब चढ़ाते हैं वो हो जाता है हजार गुण, जब खींचते हैं वो हो जाता है लाख गुण, जब छोड़ते हैं वो बन जाता है करोड़ गुण, और जब प्रहार करता है अरब को बन करके प्राण को ले लेता है। रामायण देखे हो, रामायण देखे रावण क्या बोले, बोले मैंने विष्णु से भी युद्ध किया, ब्रह्मा से भी युद्ध किया, शंकर से भी युद्ध किया, लेकिन ये राम का जो पान निकलता है ना, पता नहीं जब ये राम जब पान को छोड़ता है मेरे को पता ही नहीं चलता कब छोड़ा और कब जाकर लगा, मेरे को पता ही नहीं चलता कब उन्होंने छोड़ा और इतने तेजी कब लगा मेरे को पता ही नहीं चलता है, मैं सबसे युद्ध किया, लेकिन इसका बाण में क्या करामती है। इसलिए भगवान ने बाण का तो अचूक है, लेकिन ये चीज को देखो जो हरि का नाम का आश्रय लिया है इसमें कितने शक्ति है, चीज को दिखाया। जब उन्होंने बाण को मारे, लेकिन वो भगवान का नाम जब कर रहे थे, मानो कि जो नाम रूपी जो चक्र है ना उनको चारों तरफ से घुमा हुआ था, नाम उसको रखा कर रहे थे, इसलिए नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, नामी को ये चिंता रहती है ठाकुर को मेरे नाम जो ले रहे हैं मेरे नाम का बदनाम नहीं हो जाए, इसलिए जो नाम रूपी जो चक्कर है ना उसको चारों तरफ से घूम रहा था। जब उन्होंने बाण को मारे, बाण लग गया, लगा तो चक्र में लेकिन वहां पर गिर जाता है। जितने बाण मारते हैं ना कोई बाण काम ही नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा है बाण, भगवान राम को बचता नहीं, ये क्या हो रहा है, बाण ही काम नहीं करता है। इतने में लक्ष्मण वहां पर था, है लक्ष्मण, उन्होंने उनको तो बड़ा क्रोध आया, ये तो प्रभु तंग कर रहा है, ए लक्ष्मण उठाया धनुष, लक्ष्मण जब धनुष उठाया उन्होंने मारे, लक्ष्मण गुरु तत्व है ना, भगवान का नाम तो भगवान से पढ़ करके, ये तो गुरु तत्व है, ए उन्होंने पूछ को नीचे बैठा हुआ था कौन ये है सुकांत, ये तो गुरु तत्व, इन्होंने क्या क्या उठाया प्राण, ए हनुमान को सीधा हनुमान को मार दिए, जब मार दिया ना हनुमान के छाती में जाकर बांध लगा, लेकिन लगा तो हनुमान को छाती में, इतने में छाती में लगा तो हनुमान जी का, लेकिन भगवान राम बेहोश हो गए, कौन बेहोश हो गए, राम बेहोश हो गए, बोले भैया ये क्या हुआ, मार तो हनुमान जी को लेकिन राम क्यों बेहोश हो गए, कारण किया, बोले हनुमान के हृदय में कौन बैठे हैं, राम जी बैठे, भक्तों का हृदय में भगवान है, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्तों का हृदय में ठाकुर का निवास है, मारे लेकिन बेहोश हो गए प्रभु राम। जब भगवान राम को होश आया, इतने में भगवान राम श्री सुकांत को पूछ रहे, बोले सुकांत ये बताओ तुम्हारी ये दुर्बुद्धि कौन सा असत संगत है, तुम्हारी ये दुर्बुद्धि हुआ और तुमने मेरे गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, मेरे गुरु जी बोले ठाकुर जी असत संगत से ये मैं दुर्बुद्धि नहीं हुआ, सत्संग दुर्बुद्धि, बोले सत्संग से कौन असत्संग है, बोले नारद, ये नारद जी ने मेरे को बैठाया है, मैं तो सबको प्रणाम करने जा रहा था, नारद जी बोले सबको प्रणाम करना केवल श्री, किसको प्रणाम नहीं करना, श्री ये विश्वामित्र को, भगवान बोले नारद जी तुमने बीच में लड़ाई क्यों लगाई, बोले प्रभु क्या करूं, दुनिया में जहां जाता हूं सब लोग मेरे से एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान ने बड़ा नाम उनका नाम पड़ा, सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, अब मैं कितने को मैं उतर दूं, मैंने सोचा ऐसे के काम कर दूं दुनिया को ये पता चल जाए क्या, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में दिखलाया करवाए। इतने में देखा उधर से विश्वामित्र जी आ रहे,
जब विश्वामित्र जी आ रहे देखा ना, इतने में नारद जी सुकांत जी को बोले, सुकांत जल्दी जाओ गुरु जी चरण में प्रणाम करो, जाओ जल्दी जाकर गुरु जी चरण में लेट जाओ। देखो संतों का ना कमजोरी कहाँ पड़ जानते हो, उनका चरण। भले जो कुछ क्यों के नहीं किया, अगर इसका चरण एक बार पकड़ लो ना तो जो पानी पानी हो जाता है। इसलिए संतों का कमजोर उसकी चरण में, तो जल्दी चरण में गिर जाओ। बाद चरण में जाकर गिर गए, चरणों पकड़े रोने लगे, है बोले गुरुदेव अपराध माफ करो। जब माफ करो इतने में कौन श्री विश्वामित्र जी शांत हो गए, शांत हो गए तो बोले प्रभु राम को, बोले प्रभु मैंने इसके अपराध को माफ कर दिया है, अब भी इसका अपराध को माफ कर दो। इसलिए उन्होंने अपराध को माफ कर दिया। इसलिए इसमें श्री सुत गोस्वामी ये कह रहे हैं कि हरिनाम किसको किसको हरिनाम करनी चाहिए, हरिनाम कौन कौन करे। बोले मुक्त पुरुष भी हरिनाम करते हैं, और जो संसार में अभय बनना चाहते हैं, संसार में जो अभय में रहना चाहते उसको भी हरिनाम करनी चाहते हैं। और बोले जोगी नाम निर्मित, जितने जोगी है मतलब जितने साधु संत हैं, ये सबके सब ये साधु संत ने कभी एक ही बात पर, ये साधु संतों ने एक ही सिद्धांत में पहुंचे हैं। क्या एक सिद्धांत में पहुंचे हैं, भगवान का नाम ही एकमात्र सार है, और भगवान का नाम को छोड़कर के जगत में और कोई सार नहीं, और कोई सार नहीं है। इसलिए योगी नाम निपन निर्णय कर, जितने योगी देखो प्रहलाद को देखो, ध्रुव महाराज को देखो, प्रहलाद जी क्या करते हरि का नाम लेते थे, ध्रुव क्या करते थे ओम नम भगवत वासुदेवाय करते थे, हनुमान जी क्या करते थे रघुपति राघव राजा राम करते थे, और जितने सब साधु संतों को जितने देखोगे ना सबके सब एक ही स्वर में एक ही बात बोले, कली जी को केवल नाम आधार और सुमरी सुमरी नरे पर, जितने साधु संत शास्त्र वो एक ही बात बताए कली युग में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबको ये हरिनाम सबको ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक बात को उठाते कि देखो इन्होंने ये हरिनाम करने के लिए क्यों बताया, ये हरिनाम करने के लिए उन्होंने क्यों बताया, तो इसका कारण बताए कि जो भगवान का जो नाम है ये स्थान काल और पात्र ये तीनों अवस्था में ये नाम को तुम कर सकते हो। बोले स्थान मतलब क्या, बोले भगवान ये नहीं बताया बोले भारत में रहकर हरिनाम कर सकते हो, अमेरिका लंदन फ्रांस ऑस्ट्रेलिया में हरिनाम नहीं कर सकते हो, ठाकुर जी बताए नहीं बताए, किसी स्थान में भी भगवान के नाम को तुम कर सकते। स्थान काल, काल मतलब क्या है, ठाकुर जी ये नहीं बताए देखो जब सवेरे ही तुम हरि का नाम ले सकते हो, दोपहर में नहीं रात में नहीं बताए उन्होंने ठाकुर जी, ये नहीं बताए। इसलिए महाप्रभु बोलते जिया भीतर स्मरण न काल, भगवान के नाम को लेने के लिए कोई स्थान काल पात्र कुछ नहीं, कोई नियम नहीं रखे। और पात्र पात्र मतलब है ठाकुर जी ये नहीं बताए केवल हिंदू ही हरिनाम करे, मुसलमान नहीं कर सकता है और क्रिश्चियन नहीं कर सकते, कोई और कोई नहीं कर सकते, ठाकुर जी बताए, ठाकुर जी कोई कुछ नहीं बताए कि हरि का नाम सब ले सकते हैं। इसमें इसकी इसलिए किसने पूछा महाप्रभु भगवान किसने पूछा, तो प्रभु देखो जो हिंदू है वो हर तरह से तो प्रभु का किसी न किस तरह से नाम ले लेता है, ले ही लेता है, इनका तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन कहते हैं मुसलमान कैसे कल्याण हो, उनका कैसे उद्धार होगा। बोले इनका भी ठाकुर जी उद्धार करते हैं, बोले क्यों, बोले वो सूर को हराम कहते हैं, साधारण रूप से तो हराम गाली है, लेकिन दूसरे तरफ से देखो हा राम हा राम उसमें भी राम का नाम आ गया है। बोले कोई एक मुसलमान शौच क्रिया में बैठा हुआ था, इतने में जल्दी के सूर आया, उसको मारे, जब मारे ऐसे मारे पेट को फाड़ दिया, लेकिन सूर को हराम कहते हैं, हाँ राम हो गया तो मुक्ति राम। इसलिए भगवान का नाम हर तरह से किसी ना किसी तरह से भगवान के नाम अगर मुंह से किसी तरह से अगर ठाकुर का नाम उच्चारण हो जाए, इसकी कल्याण कर सकते हैं।
इसलिए यहाँ पर सुतो गोस्वामी कहते हरे नामानो कीर्तनम, हरि का जो नाम कीर्तन ही संस्कृत में एक उपाय है और कोई उपाय नहीं। इसलिए लेकिन हरि नाम कैसे करनी चाहिए, मतलब अपराध से मुक्त होकर करनी चाहिए, किसी साधु संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, शरीर में मैं मेरा नहीं रखनी चाहिए, हैं भगवान का नाम की जो महिमा ये नहीं बोलनी चाहिए। अरे बड़ा चढ़ा करके शास्त्र में बोल दिया है, कहते एक कृष्ण नाम जब तो पाप हरे पापी साधन नहीं तब तो पाप करे, एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति है इतने पाप को नष्ट कर सकता है, पापी का हिम्मत नहीं इतना पाप कर सकता। इसलिए यदि सब अपराध से दूर होकर के है अगर शुद्ध रूप में अगर कोई हरिनाम करेगा उसको क्या होगा, भगवत प्रेम जरूर प्राप्ति होगा। लेकिन अगर कोई अपराध दुप्त होकर के हरिनाम करे है तो हरिनाम फल देने में लेट करता है, अगर कामना वासना को लेकर के हरिनाम करे ये हरिनाम कोई नष्ट नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ देगा। इसलिए कोई संत कह रहे थे इसी जीवन में इसको बहुत ज्यादा पैसा वाला देखते हो अरब खराब कर दी करोड़ कौन सा पुण्य किया था कि जीवन में इतना पैसा मिले, मैंने पहले जीवन में हरिनाम किया था, लेकिन जो हरिनाम किया था ना उन्होंने एक कामना वासना को लेकर किया, नाम तो चिंता नहीं हो सब कुछ देगा है, लेकिन अगर कोई कामना वासना युक्त होकर के ठाकुर को सेवा पूजा करे उसका व्यर्थ तो जाएगा नहीं, वो तो कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, बस इसी जीवन में ठाकुर जी माला माल कर देते। लेकिन हमें लेकिन ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमें तो शुद्ध रूप में कृष्ण प्रेम कृष्ण प्राप्ति चाहिए, जिसको चिरकाल के ठाकुर जी चरण में पहुंच करके ठाकुर जी की सेवा में पहुंच करके उनकी चरण की सेवा में जीव को प्राप्ति हो। इसलिए हमें शुद्ध रूप में कलयुग में ये हरिनाम हमें करनी चाहिए। ब्रजी हरिनाम संकीर्तन की, ब्रज सचिनंद गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंद हरि की। संजीव आप लोग कोई कीर्तन करोगे, कोई भजन कोई कीर्तन करने वाले है यहाँ, कोई है माताएं, कोई माताएं है क्या करने वाले कीर्तन, विजय प्रभु कर देंगे। हाँ आप विजय प्रभु आ जाओ, फटा आज प्रभु करो लगा कर दो आप करो कीर्तन नहीं कोई भजन डालो उसके बाद में फिर भजन कौन सा करो तो भी बांग्ला भजन तो नहीं बांग्ला नहीं कोई हिंदी भजन कोई हिंदी कोई भी ज़्यादा हिंदी है वो कोई भजन की इधर इधर सुशील गुरुदेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कछु माखन को पल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाज महाराज की जय, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे Bye.
घर घर जाकर उनको जगाते हैं। श्रीमद् महाप्रभु क्या कहते हैं, जीव जागो
गौरा चांद बोले, कथा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। हम लोग जो है माया की गोद में सोए हुए हैं और माया की गोद से हमें जगाकर और भगवान की तरफ उन्मुख करने के लिए ही साधुओं का आगमन होता है। इसीलिए जब रामायण आप लोगों ने सुनी होगी, रामायण देखी होगी, जिस समय पर हनुमान जी वो सीता जी की खोज करने के लिए गए थे लंका के अंदर, लंका में गए थे, सब जगह खोजते खोजते सीता जी नहीं मिल रही है, तो उस समय पर उन्होंने देखा विभीषण का घर, विभीषण का घर के बाहर उन्होंने देखा कि घर के बाहर ही श्री राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था, जोर से बोलो, श्री राम लिखा हुआ था। अभी हनुमान जी वो परम भक्त है श्री राम के, वो मनी मन सोच रहे हैं कि यहाँ लंका है, यहाँ पर सब राक्षस रहते हैं और इस राक्षसपुरी के अंदर राम का ऐसा कौन सा भक्त आ गया, अपने घर के बाहर भी श्री राम जिसने लिख रखा है। फिर उन्होंने विचार किया कि ऐसा भी नहीं कोई मेरे को राक्षस है, सब लोग हमें को छलने के लिए, मुझे फंसाने के लिए किसी ने श्री राम लिख दिया हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके और अंदर प्रवेश किया। जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो वहां पर देखा बैठे थे विभीषण। कौन थे विभीषण, कौन है, भगवान के भाई, भगवान के भक्त हैं, रावण के भाई, छोटे भाई है ना। तो यहाँ पर सोया हुआ, लेकिन सोया हुआ है लेकिन सोते हुए समय भी इसका रोम रोम से श्री राम, श्री राम और श्री राम का नाम निकल रहा था। बोले किसी कपट व्यक्ति का सोते समय भी राम का नाम किसी कपट व्यक्ति के मुंह से कभी नहीं निकल सकता है। जो भगवान की परम भक्त होगा वो व्यक्ति सोते हुए समय भी उसका श्वास श्वास किसका नाम निकलेगा, भगवान राम का नाम निकलेगा। समझ गए कि जरूर राम का कोई पक्के भक्त होएंगे हैं, तभी जिसका रोम रोम से श्री राम का नाम निकल रहा। इसीलिए विभीषण के रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा था। हनुमान जी पहचान गए कि ये भगवान का कोई शुद्ध भक्त है। लेकिन उसके घर के बाहर जो श्री राम लिखा हुआ था ना, कुछ कुछ वहां पर जो असुर पहरेदार थे उन्होंने जाकर रावण से कंप्लेन कर दी। बोले तुम जो है राम को अपना परम शत्रु मानते हो, लेकिन तुम्हारे तो घर का बेदी लंका ठाई बोलते ना। बोले विभीषण तुम्हारे घर में, वो तो वो ही उसके घर के बाहर जाकर देखो श्री राम लिखा हुआ है। रावण तो बड़ा क्रोधित हो गया, बोले ये क्या, मेरे खुद का भाई राम का भक्त है, जाकर एक बार देखूं। तो रावण जब विभीषण से पूछना है, बोले ये तुमने क्या कर रखा है, अपने घर के बाहर मेरे शत्रु का नाम लिख रखा है। बोले प्रभु शत्रु का नाम कहाँ, भैया आपने गलत देखा। बोले नहीं मैंने खुद ने देखा तो मेरे घर के बाहर श्री राम लिखा हुआ है। बोले नहीं वो श्री राम नहीं है, आप बताओ, मैं तो अपने भैया भाभी को बड़ा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने उन्हीं का ही नाम आगे लिख रखा है, रा अर्थात रावण और भाभी का नाम मंदोदरी, वो मंदोदरी का म, इसलिए राम वो श्री राम शत्रु का नाम नहीं, वो मेरे भैया भाभी का नाम है। इसलिए विभीषण जी यहाँ पर देखो चतुराई से सिखा रहे हैं, जो लोग भक्त हैं उनको किसी ना किसी प्रकार अपना कार्य साध कर लेना चाहिए। भगवान के भजन में जितनी भी बाधा क्यों ना हो, प्रतिकूल अवस्था क्यों ना हो, लेकिन कैसे भगवान का भजन करना है विभीषण से शिक्षा लेनी चाहिए। असुरों के बीच में रहते हुए, इतना प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा है ना। जब हनुमान जी के साथ में उनका साक्षात्कार हुआ, विभीषण स्वयं ये बात कह रहे हैं, आज मोहे भा भरस हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिलई न संता। आज मुझे भगवान की कृपा के ऊपर सचमुच में भरोसा हो गया, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत दर्शन नहीं होता। जो रघुवीर मोहे अनुग्रह कीनी, तू मोहे दर्शेठी दीनी। अरे आज सचमुच मुझे लगता है भगवान राम की मेरे ऊपर विशेष कृपा है, तभी जाकर मुझे तेरा दर्शन प्राप्त हुआ है, हनुमान तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ है। जीवन में साधुओं का दर्शन यदि प्राप्त हो जाए, भागवत कहता है भवापवर को भ्रमतो जगा भवे जनस्य तरही अच्युत सत समागम। ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते, ये चतुर्दश भुवन में भ्रमण करते 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 किसी सौभाग्यवान जीव को यदि सत्संग प्राप्त हो जाए, तरही अच्युत सत समागम, यदि अच्युत का सत्संग भगवान का, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो क्या समझना चाहिए। बोले और इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करना नहीं पड़ेगा, भगवान ने उनके ऊपर विशेष कृपा कर दी है। बोले श्री भक्तिवेदांत पद्मनाभ महाराज की। तो इसीलिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के भक्तों का दर्शन यदि किसी को प्राप्त हो जाए, आज देखो हमारे महाराज जी का भी दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, महाराज अभी उपस्थित होंगे।
महाराज जब और कहीं से होटल भी आ रहे हैं कि डायरेक्ट श्रीकांत प्रभु जीता कॉल नहीं जीता कॉल नहीं और कर क्या बात हाँ हरी बोल सभी बैठ जाइए सभी बैठ जाओ सब एक बार हाथ उठा के बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए देखो विभीषण साक्षात यहाँ पर साधु संत की महिमा बता रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन करने के साथ साथ इन्होंने क्या कहा, बोले भगवान की मेरे ऊपर सच में कृपा है। हमें भी जो साधु संघ प्राप्त हो रहा है इसको सहज मानकर और इग्नोर करके, कोई फोन पर बात कर रहा है, कोई किसी से बात करने में डिस्टर्बेंस कर रहा है, साधु संघ यदि प्राप्त हुआ है तो उसको सम्मान देना सीखो। हमारे घर में यदि अतिथि भी आता है, साधारण अतिथि भी आता है, तो उसको भी हम कितना यत्न करके उनका सम्मान करते हैं। और साधु जिनको शास्त्रों में साक्षात भगवत स्वरूप माना गया है उसको इस तरह से अवहेलना करना, ये साक्षात साधु का अपमान है, है ना। इसलिए साधु को सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पर साधु संघ की महिमा बतलाते बतलाते विभीषण स्वयं कह रहे हैं कि देखो तुम यहाँ पर आए हो सीता की खोज करने के लिए, मैं तुम्हें सीता का पता बता दूंगा और तुम मुझे क्या करना, विनिमय में तुम मुझे प्रभु राम से मिलवा देना, है ना। तो विभीषण ने उस समय पर हनुमान जी को सीता जी की खबर दे दी कि तुम चले जाओ अशोक वाटिका में, वहां पर तुम्हें सीता मैया मिल जाएगी। अभी क्या हुआ है, सीता जी की खबर लेकर हनुमान जी जब पुनः चले गए हैं प्रभु राम के पास में, विभीषण स्वयं गया है रावण के पास में। बोले भैया आपने ये जो काम किया है सीता को हरण करके जो आप ले आए हो, पर स्त्री को हरण करके और अपने पास में रखना, ये एकदम ठीक नहीं, शास्त्र विरुद्ध है। हम कुलस्थ ऋषि के वंशज है, हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है और पर स्त्री का हरण करके आप अपने पास में रखो, ये दुराचार क्यों। और विशेष करके सीता साधारण नहीं है, सीता वो जगत जननी, वो जगत जननी को आप हरण करके अपनी स्त्री बनाना चाहते हो, अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, ये क्या होगा, इससे आपका पूर्ण रूप में अमंगल होगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा। अभी भी समय है, प्रभु राम वो बड़े शरणागत वत्सल है, आप जाओ और सीता को पुनः लौटा दो, वो आपको निश्चित रूप में क्षमा कर देंगे। जब इतना विभीषण ने समझाने की चेष्टा करी है, रावण तो बड़ा क्रोधित हो गया, उसको वहां से लात मार के और भगा दिया। अभी लात मार के जब भगाया है, विभीषण आ रहे हैं प्रभु राम के शरणागत होकर, शरणागत होने के लिए प्रभु राम के शरण में आ रहे हैं, लेकिन मन ही मन विचार कर रहे हैं कि प्रभु राम मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, मैं कहां राक्षस कुल में जन्म हुआ, मेरा भाई परम राक्षस और प्रभु की स्त्री को हरण करके रखा है, वो मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। लेकिन उसी समय पर क्या किया ना, विभीषण ने अपनी तुलना सुग्रीव के साथ में कर रहे हैं। बोले सुग्रीव का भाई बाली वो भी तो राक्षस से कम नहीं था, उसने भी पर स्त्री को हरण करके रख रखा था, सुग्रीव की पत्नी को हरण करके रखा था ना। बोले सुग्रीव का राज्य भी लिया था, सुग्रीव की स्त्री को हरण करके रख रखा था, तो जब प्रभु ने सुग्रीव को आश्रय दिया तो मुझे भी आश्रय देंगे ही, कहा वो तो बंदर था, उसका कुल ठीक नहीं था। हाँ हाँ मेरा भी कुल ठीक नहीं, मैं भी राक्षस कुल में हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रभु के शरणागत होने जा रहा हूँ, मैंने सुना है प्रभु शरणागत वत्सल है, इसलिए मैं उनकी शरण जरूर जाऊंगा, वो हो सकता है मुझे स्वीकार कर ले। जैसे ही विभीषण प्रभु राम की शरण में आया है, प्रभु राम की शरण में आते ही देखो प्रभु ने उनको लंकेश कहकर संबोधित किया, आओ लंकेश तुम्हारा स्वागत है, लंकेश तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं देखो कि प्रभु कितने शरणागत वत्सल है। स्वयं राम यहाँ पर कहते हैं कि सक्री देव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते। यदि कोई सक्रिय मतलब एक बार केवल ये कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो, मैं और किसी को नहीं जानता, आप ही केवल मात्र मेरे परिचित, आप ही मेरे परम बांधव हो। सक्रिय देव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम् मम। जैसे हम लोग एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी ये सारे व्रत रखते हैं ना, ऐसे ही ठाकुर जी भी एक व्रत रखे हैं। जानते हो ठाकुर जी का व्रत क्या है, ठाकुर जी स्वयं यहाँ पर राम कह रहे हैं कि यदि कोई एक बार ये कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप ही केवल मात्र मेरे हो,
तो क्या करेंगे, बोले अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम् मम, मैं उसे अभय प्रदान कर दूंगा, उसे और किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, मेरे यदि एक बार केवल मेरी शरण ग्रहण करेगी, एक बार यदि केवल कोई शरण ग्रहण करेगी, प्रभु की शरणागत होने का इतना फल है। तो इसीलिए यहाँ पर साधु संघ की महिमा कह रहे हैं, सबसे पहले भक्त का दर्शन होता है। विभीषण को जब हनुमान जी का दर्शन हुआ, हनुमान जी के दर्शन के बाद में उन्हें प्रभु राम का दर्शन हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था, है ना। हमें भी यदि साधु संघ प्राप्त हो रहा है, साधु का दर्शन मिल रहा है, क्या समझना चाहिए, बोले और हमार से भगवान ज्यादा दूर नहीं, बहुत ही जल्दी हमें भगवत प्राप्ति होगी, हमें भी भगवान निश्चित रूप में मिल जाएंगे। अभी जब लंकेश उनको लेकर आए हैं यहाँ पर मनीमन विचार कर रहे थे विभीषण कि प्रभु ने तो मुझे लंकेश कह दिया, मुझे लंका का राजा बना दिया, लंकेश मतलब लंका का राजा, वहां पर सुग्रीव था, सुग्रीव कहने लगते कि प्रभु आप इन्हें लंकेश कह रहे हो, आप इन्हें लंका का राजा बता रहे हो, अरे 1% यदि रावण आपके शरणागत हो गया, कल युद्ध होने वाला है, कल फाइनल युद्ध होने वाला है, आप इन्हें लंकेश कह रहे हो, यदि रावण 1% आपकी शरण ले लिया तो फिर आप लंका का राज्य तो इनको दे दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। प्रभु राम कहने लगे कि चिंता मत करो, विभीषण को मैंने लंका का राज्य दे दिया, अगर रावण मेरे शरणागत हो गया तो मैं उसे अयोध्या प्रदान कर दूंगा। भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन फिर सुग्रीव प्रश्न करने लगे कि आप अयोध्या तो ऑलरेडी भरत को लेकर आए हो, अरे अयोध्या का राजा तो भरत को आप बनाकर आए हो, फिर अयोध्या का राजा भरत को यदि आपने दे दिया तो रावण को दे नहीं सकते। बोले चिंता नहीं, मैं भरत को अपना साकेत धाम दे दूंगा, भरत को साकेत धाम प्रदान कर दूंगा। अभी सुग्रीव प्रश्न कर रहे हैं कि विभीषण को दे दिया आपने लंका, अयोध्या प्रदान कर दी रावण को, और साकेत धाम प्रदान कर दिया भरत को, अरे आपके खुद के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए, आप कहाँ निवास करोगे, आपकी खुद की जगह भी तो बताओ कुछ। तब स्वयं प्रभु यहाँ पर कहने लगे, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, नारद को स्वयं प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि लोगों की ये धारणा है मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, जो योगी ध्यान धारणा प्रत्याय सब यत्न करके और समाधिस्थ होकर मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं, बोले एकदम गलत है, ये मेरा टेम्पररी एड्रेस है, मैं यहाँ पर परमानेंटली नहीं रहता। बोले वैकुंठ में वो तो होगा, बोले नहीं वो भी टेम्पररी एड्रेस है। बोले प्रभु वैकुंठ नहीं, योगियों के हृदय में नहीं, तो फिर कहाँ रहते हो, बोले मद भक्ता जत्र गायन्ति, आज यहाँ पर मेरे भक्त लोग जो एकत्रित होकर ठाकुर का नाम कर रहे हैं, ठाकुर का कीर्तन हो रहा है, उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप में भगवान यहाँ पर विराजमान है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें साधु संघ प्राप्त हो रहा है, इस साधु संघ को खूब यत्न पूर्वक साधु के मुख से हरि कथा श्रवण करनी चाहिए, उनके मुख से उपदेश श्रवण करके अपना जीवन सार्थक करो, ठीक है। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो। कौन फोटो हरे कृष्ण हरे हमारे सौभाग्य से हमारे बीच में श्री पद्मनाभ महाराज आए हैं, आपको बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे। हाँ, वो देखने में लगता है छोटे नहीं, बड़े छोटे ये पहले अमेरिका में PhD कर रहे थे, ये अमेरिका में ये PhD कर रहे थे, लेकिन जब हमारे बड़े गुरु जी प्रचार करने के लिए गए तब उन्हें सब PhD छोड़ करके उन्होंने गुरु जी के शरण में आए, और गुरु जी के शरण में आकर के हर जगत में हरि भक्ति प्रचार करते हैं, ग्रंथों को प्रकाशन करते थे। कहो अभी ये हमारी IGBT का सेक्रेटरी प्रभु महाराज, मेरा बहुत महाराज सेवा करते हैं, महाराज जी हमको बड़ी अच्छी अच्छी ठाकुर की कथा सुनाए, श्री पद्मनाभ महाराज रिकॉर्ड गुरवे घोरतत्वाय
राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इन्होंने क्या नाम के शालू दीदी, हाँ शाबा प्रियदास दीदी ने बेटी के जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये साधु संघ समारोह आयोजित किया। वास्तव में जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाए तो सफल माना गया है, नहीं है? लोग तो विचार करके देखो, लोग तो जन्मदिन जो है केक काट के मनाते हैं और लोगों को बहुत खुशी होता है ये कह के हम अब बड़े हो गए, जिसके बच्चे जो है तो बच्चों का तो ये रहता है कि हम अब हो गए बड़े हो गए। कितने साल के हो गए? हम 40 के हो गए, 30 के हो गए। किंतु यदि साधु के संग में यदि कोई आता है तो साधुओं से जब सुनता है तब उसको क्या समझ आना चाहिए? जन्मदिन कोई प्रसन्नता या खुशी का दिन नहीं होगा, होगा तो जरूर किंतु फिर भी तत्व दृष्टि से क्या होगा? ये नहीं कि हम 40 के हो गए हैं या 30 के हो गए या 25 के हो गए हैं, उल्टा हमें सोचना चाहिए कि मानो हमारा जीवन यदि 100 साल है, 100 में से 25 गया, कितना बचा आप? 75 बचा, 50 बचा, 25 बचा, कुछ पता नहीं है। तो उल्टा हमारा जीवन कम होता जा रहा, बढ़ता नहीं जा रहा, हमारा जीवन आयु जो है उल्टा घटता जा रहा। किंतु ये सब लोग नहीं समझ सके कि गीता में बताया गया या निशा सर्व भूतानां सा निशा पश्यतो मुने, जो संसारिक लोगों के लिए जो प्रसन्नता का खुशी का विषय है वो साधुओं के लिए क्या है? वो दुख का विषय। और जो साधुओं के लिए प्रसन्नता का जो विषय है वो संसारिक लोगों के लिए दुख का या निद्रा का वो विषय है। कहने का मतलब जो वो देख सकते हैं बाकी लोग नहीं देख सकते, बाकी लोग तो प्रसन्नता से जीवन को काटते हैं और सोचते हैं कि जीवन जो है हमारा बढ़ रहा, बढ़ नहीं रहा, घट रहा। इसलिए तो इसलिए जन्मदिन के दिन हमें जरूरी है हमें साधुओं को बुला करके ये सब कथाएं श्रवण करें और जन्म लेने का महत्व समझे कि हमने जन्म क्यों लिया और हमारा जीवन जो है बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, ये चीज को समझे और समझते हुए जीवन को सार्थक बनाए। और जीवन तभी सार्थक होगा जब साधु गुरु वैष्णवों का कृपा आशीर्वाद हम प्राप्त करें। इसलिए जन्मदिन के दिन साधु गुरु वैष्णवों से ठाकुर जी से कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने का विधि विधान है। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ब्रज में यशोदा मैया ने जन्मदिन मना, सबको बुलाती थी, सबसे कृपा आशीर्वाद दिलवाती थी, सबको खिलाती पिलाती थी, कृष्ण को भी बहुत सुंदर सजाती थी। यही रीति है जिस रीति से हम समझ सकते हैं कि इस मानव जीवन की सफलता किसमें। तो इसलिए वो हमें समझाएंगे कि जीवन अब बहुत ज्यादा नहीं, लब्ध्वा सुदुर्लभम दिनम बहुतम भवन्ते मानुष्यम 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 अर्थतम अनित्यम अपीह धीर तूर्णम यते न पटे
न पटे न मृत्यु यावत मिश्रे जाय विषय करु सर्वतन। तो वो समझाएंगे कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद बड़े ही कष्ट के साथ बड़े मेहनत के बाद ये मानव शरीर हमको मिलता है, तो इस मानव शरीर मिलने पर हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। कब करें? बुढ़ापे में करें, बाद में करें, तूर्णम यते। तो कहते हैं भागवतम में कि तूर्णम यते, जल्दी से जल्दी बड़ी शीघ्रता के साथ जो है ये मानव जीवन को हम सफल बनाए और बहुत जल्दी से जल्दी जो है हम अपने साधन भजन भक्ति इत्यादि करें और तब जा करके ये जीवन सफल होगा, भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, दोनों में संबंध क्या है, प्रेम क्या चीज है, तब हम समझ सकेंगे, तब जा करके जो है ये मानव शरीर सफल, ये मानव जन्म सफल माना जाएगा। और बाकी विषय कलु सर्वतः त्याग, जो विषय है, भोग है, संसार है, वो तो सब जगह ही प्राप्त होता रहता है, पर सर्वत्र ही समस्त योनियों में ही उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से संभव पर है। तो इसलिए यही चीज जो है साधु लोग, साधु समाज हमको समझाएगा कि जीवन को व्यर्थ न गवा के बहुत शीघ्रता के साथ हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि पूछा जाए कितना समय चाहिए, तो भागवतम में बताया गया कि जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा समय चाहिए। भागवतम में बताया बहुत कम से कम समय भी काफी है। कि परीक्षित महाराज जी ने जब पूछा मुझे क्या करना चाहिए, ज्यादा समय तो है नहीं, 7 दिन ही है, तब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने कहा आपके पास तो 7 दिन है, बहुत लंबा समय, 7 दिन में तो बहुत कुछ हो जाएगा। कटवान का राजा के पास केवल एक मुहूर्त काल मात्र था, वो स्वर्ग लोग वो गए हुए थे लड़ने, देवताओं के पक्ष में लड़ा, बहुत समय बीत गया, देवता लोग प्रसन्न हुए और देवताओं ने कहा कुछ वर मांगो, तब कटवा का राजा जो राम जी के वंश में दो ही वंश के ही थे, वो भी तो कटवान का राजा ने प्रार्थना किया कि बस आप मुझे कितना बता दो, मेरा जीवन आयु अब कितना बाकी है। तो पहले तो नहीं बता रहे थे, किंतु इन्होंने जब जिद पकड़ी तब उन्होंने बताया कि जैसे ही आप पृथ्वी लोक जाओगे आपके पास केवल एक ही ये मुहूर्त काल बाकी। वो उल्टा सुन करके बड़े प्रसन्न हो, तुरंत ही वहां से चले आए, अपना सब कुछ जो है सौंप दिया और गंगा जी के किनारे बैठ करके एक क्षण में अपनी सारी आसक्तियां सब कुछ जी ठाकुर जी के चरणों में सौंप करके एकदम समाधिस्त हो गए और पल भर नहीं लगा वो वैकुंठ से विमान आया और वैकुंठ लोक की प्राप्ति की। सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए एक मुहूर्त काल यानी 41 मिनट ही जो है काफी होता है। यदि हमने साधन भजन किए हो, यदि दो मुहूर्त भर के समय में ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। यदि पूछा जाए कौन सी अवस्था में भगवत प्राप्ति संभव पर है, क्या वृद्धावस्था में ही होगा, तो वो भी भागवतम कहता है, भागवतम में कहा गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि वृद्धावस्था में ही भगवत प्राप्ति, गर्भावस्था से लेकर बचपन 5 साल 10 साल जवान वृद्ध और मृत्यु के समय में हर समय में भगवत भक्ति जो है संभव पर है और ये भगवत प्राप्ति भी जो है संभव पर है। इसीलिए भक्ति जीवात्मा की वृद्धि है,
जीवात्मा चिन्मय है और भक्ति भी चिन्मय है, शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं, शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं। इसीलिए किसी भी समय में, किसी भी स्थिति में, किसी में भी, चाहे दुराचारी भी क्यों न हो, मां पापी से पापी क्यों न हो, उसमें भी ये शुद्ध भक्ति जागृत हो सकती है गुरु वैष्णव कृपा से। इसीलिए ये दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके शीघ्रातिशीघ्र जो है हमें पूर्णम्यते, जल्दी से जल्दी, ज्यादा सोचो मत, जल्दी से जल्दी, ये नहीं कि हम वो ये निपटाएंगे करेंगे शुरू, फिर निपटाते निपटाते ही जीवन चला रहे। तो तूर्णम देते जल्दी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। जन्मदिन माने क्या, ये सतर्क कराने के लिए कि 40 साल गया, अब न जाने 10 है, 20 है, 25 है, 30 है, कुछ पता नहीं, ठीक है। इसीलिए हम सतर्कता पूर्वक जितना थोड़ा समय जो बचा है, वो समय को भी यदि गुरु वैष्णवों की भक्ति में, सेवा में यदि लगा दे, तो ही हमारा जीवन सफल होगा, कृष्ण की प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, हम संतुष्ट रहेंगे, खुशी से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, ठीक है। इसलिए भागवत के ये सब विचार है, केवल संसारिक सुख वैभव प्राप्ति के लिए ही भक्ति नहीं, वो तो हमें मिलता रहेगा, हम नहीं भी करेंगे तो भी मिलेगा, अब मेहनत नहीं भी करेंगे तो भी हमको जो प्रारब्ध में मिलना है वो जरूर हमको मिलेगा, किंतु हम अपने समय को कहाँ लगाएंगे, वो नित्य चिन्मय वस्तु जो है भक्ति, उस भक्ति को प्राप्त करने में हम लोग यदि लगाएंगे तो हमारा जीवन जो है यहाँ रहते रहते ही हमें सुख मिलेगा, भक्ति सुख हमको प्राप्त होगा। तो उस भक्ति सुख से ही हम समझ सकते हैं हम कितने भगवान के निकट हैं और हम कि हमारा जीवन कितना सफल है, हम उसी से ही जो है हम समझ सकते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाओ, जो जुड़े हैं वो सतर्क हो जाओ, जो सतर्क है तीव्रता के साथ मदद करो, पूर्णम यथेत का यही सब व्याख्या, जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि देर अब ज्यादा देर नहीं, ठीक है। किसके लिए करो मेहनत, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो जगाओ, क्या हमारा संबंध है, क्या वो प्रेम क्या है, प्रेम को जगाना ही हमारे साधन भजन का मूल तात्पर्य है, ठीक है। यही भागवत की शिक्षा है, यही श्री गुरु महाराज और वैष्णवों की शिक्षा है कि हम सहज रूप में महामंत्र के द्वारा और ये गुरु वैष्णवों के साधुओं की सेवा के द्वारा इसको सहज ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ा सुंदर सा ये आयोजन है जिसमें साधु संघ का सहयोग मिलता, नहीं तो कुछ नहीं तो साधु संघ कुछ तो फिर बहाना चाहिए, कुछ तो बहाना चाहिए, सेवा करने का क्या बहाना है, सेवा करने का क्या बहाना, ये नहीं कि केवल जन्मदिन होगा तभी बुलाए, अरे कोई भी बहाना, जैसे पांडव लोग थे तो जैसे पांडव लोग थे तो कृष्ण तो चले गए महाभारत के बाद, अब इतना बड़ा महल बनाया, इतना कुछ है, अब सबका जो मुंह जो है सूखा है, झटका हुआ, क्यों, क्योंकि सब कुछ तो है किंतु श्री कृष्ण नहीं है, तो सबके मुंह जो है बड़ा उदास है, तो सबने ये विचार किया कि हमारे पास अब सब कुछ है किंतु कृष्ण नहीं होने के वजह से हमें आनंद नहीं, तो फिर क्या करें, फिर तो फिर सबने विचार किया कि चलो हम कृष्ण को फिर बुलाते हैं, कैसे बुलाएं, कृष्ण तो बिना किसी कारण के तो नहीं आते, फिर जानबूझ के कुछ न कुछ बहाना ढूंढते, जानबूझ या तो नया नया कोई ये यज्ञ जो है शुरू कर दिया, निमंत्रण भेज दिया,
हम ये क्या कर रहे छह महीने के, छह महीने का चलेगा, आप आ जाओ, जा नहीं तो जान बूझ के कुछ ना कुछ विपत्ति का मोड़ लेते, अरे ये समस्या हो गई हमारे ऊपर, अब जल्दी जल्दी आ जाओ, ये सब आना तो ठीक है। वैसे ही पांडवों जैसे हमें भी लालची बनना पड़ेगा यदि साधु संग चाहते हैं तो। ये मत सोचते रहो कि जन्मदिन आएगा तभी हम साधुओं को करूंगा, अरे कुछ तो कुछ भी बहाना क्यों ना, ठीक है ना, तो कुछ भी बहाना हो साधुओं को फिर बुलाओ, तभी क्या होगा घर के जो बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं वो आपके विरोध में जो थे वो सब देखेंगे, अच्छा ये तो ठीक ही है, तो तब तो मन बदलेगा, और आप ना बुलाओगे फिर कैसे मन बदलेगा, आप 100 बार भी कह दोगे नहीं बदले, आप एक बार फिर बुलाओ देखेंगे बात करेंगे 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब माध्यम है जिसके द्वारा हम घर को भी सुधार सकते हैं, स्वयं को भी सुधार सकते हैं, और यही सब माध्यम है जिससे हम साधुओं को घर बुला सकते हैं, बिना बुलाए घर बदल नहीं सकता, ठीक है। गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण सेवा प्रिया दीदी, सेवा प्रिया दीदी बुला, उनको बेटी को भी बुला, एक बार हाथ उठा के बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके आगे बोलो, बेटी आगे देखो दीदी ने आज उनने बेटी की जन्म उत्सव को उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने आज घर में भक्तों को बुलाया और घर में सत्संग हरि कीर्तन रखवाए, इसलिए कहते ना मंगल भवन, बोलो जोर से मंगल भवन अमंगल अमंगल हरि, कोई भी काम करो अगर हम भगवान के नाम कीर्तन को उद्देश्य करते हुए करते हैं निमित्त बना करके क्या होगा उसका सारे अमंगल दूर हो जाएगी। लेकिन ये हमारे श्यामा प्रिया दीदी ने साधारण लोग क्या करते हैं, हैं कितना यार दोस्त को बुलाएंगे, डीजे लगाएंगे, केक कटवाएंगे और उसमें पता नहीं कितना बोतल चुड़वाएंगे और कितने मुर्गी मुर्गा और कितना मुर्गी और कितने बकरा को खिला देते हैं ना। देखो एक बहुत बड़े ध्यान दे रहे थे, एक बहुत बड़े संत कह रहे थे, बोले भैया तुमने जिस बच्चे को उद्देश्य करके इतने तुमने बोतल चुड़वा दिया, बोतलों तुड़वा दिया पता है कि नहीं, इतना तुमने दारू पिलाए और इतने तुमने जीव हिंसा तुमने किया जिसकी बच्चे को उद्देश्य में, देखो संत कहते थे उसका कभी मंगल हो सकता है, वो संत तो ये कहते थे अगर तो 100 साल हो ना उसी दिन वो 50 साल में उतर आएगा, वो कहते थे एक बार संत कहते थे। इसलिए कहते हैं भैया कोई गंदा काम नहीं मत किया करो, जैसे उन्होंने आज भक्तों को बुलाया कीर्तन करवाया, इसका संस्कार किसको पर पड़ेगा, बात मत करो क्या इसकी फल किसको मिलेगा, बोले जिस बच्चे का उद्देश्य में आप कर रहे हो उसको ऊपर में पड़ेगा। रामायण देखे आप लोगों ने, कौन कौन रामायण देखा उठा तो आप देखना मैया सीता जब गर्भ धारण की हुई थी अयोध्या में बड़े बड़े साधु संत लोग आए और वहां पर बहुत बड़े सत्संग रखवाया गया और मैया सीता को भी मिला करके वहां बैठाए, भगवान राम कहते सीते तुम्हें पता है आज हमने ये साधु संत को क्यों बुलाए और यहाँ पर आज ये सत्संग क्यों रखवा रहे, बोले नहीं तो देखो सीते अभी तुम्हारी पेट में बच्चा है, ये अगर इसी समय में अगर तुम सत्संग सुनोगे भगवान की कथा सुनोगे ना तो बच्चे को ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेगा। अब देखा बच्चे कौन हुए, लव और खुश हुए, देखे कि नहीं कितने बलवान हुए, पूरा अयोध्या के चतुरंगी सैन्य को उन्होंने धराशायी कर दिया और कितने बुद्धिमान थे, कहते राम दरबार में राम कथा को राम को सुनाए, देखे कि नहीं क्यों कारण है, उसमें गर्भ में बच्चे रहते हुए उन्होंने सत्संग सुनाए भगवान की कथा सुने। आप लोगों ने महाभारत देखे हो,
कौन कौन महाभारत देखे? सब महाभारत देखे है ना। जब ये महाभारत युद्ध हो रहा था उसी समय में द्रोणाचार्य ने चक्र व्यूह रचना की, लेकिन वो चक्र व्यूह को भेद करना एक अर्जुन का सिवाय और कोई नहीं थे। लेकिन अर्जुन तो दूसरे तरफ पे चला गया युद्ध करने के लिए, बोले अभी कौन चक्र व्यूह कौन भेद करेगा? अभी मन बोला मैं करूंगा। बोले तुम कहां से सीखे? बोले माँ की पेट में रहते समय मेरी माँ और पिता अर्जुन जब सो रहे थे, मेरी मैया सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा ये चक्र व्यूह क्या होता है। उन्होंने सब बात को सुनाया, चक्र व्यूह क्या होता है, कैसे भेद करनी चाहिए, जब वो वापस आना चाह कैसे आएगा, बोलने जा रहे थे इतने में मेरी मैया सुभद्रा सो गई और उन्होंने सुनाया नहीं, इसलिए मेरे को याद नहीं। भेद तो कर सकता लेकिन वापस नहीं आ सकता। देखो अगर कोई भी काम भगवान की नाम की भक्ति की उद्देश्य से करो ना वो जरूर मंगलमय होगा। इसलिए आप लोग भी जब घर में तुम्हारी शादी की सालग्रह आए, बच्चे का जन्मतिथि बर्थडे आए ना, उल्टा पुल्टा लोगों को मत बुलाया करो, दारू पीने वाले मांस खाने वाले खबरदार मत बुलाना। उसमें बच्चे के ऊपर में बहुत बुरा संस्कार पड़ता है, बुरा संस्कार पड़ेगा कभी उसको ऊपर में कभी क्यों कि उसको उद्देश्य से तुमने ये दारू पिला रहे हो मांस उसके उद्देश्य से तुम ये जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप है, तब उसका तो फल वो बच्चे को ऊपर जाएगा ना। आज जैसे हमारी श्यामा प्रिया दीदी ने आगे उन्होंने साधु संतों को बुलाए, हरि कीर्तन हरि कथा हो रही है, उसका असर किसको पर जाएगा? फल वो बच्ची को पर जाएगी। क्यों? जिस बच्ची को उद्देश्य करके यहाँ पर तुमने बुलाया उसको पर जाएगी ना। इसलिए आप इनके लिए ताली बजाओ जोर से। कब से कम इन्होंने दारू पीने वाले मांस खाने वालों को नहीं बुलाए और डिग्गी नहीं लगा करके जिसको ध्यान नहीं रखवाए, जिसमें उन्होंने हरि की कीर्तन और साधु संतों को उन्होंने घर में बुलाए। इसलिए आप लोग भी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यदि न गृह भजन देखी गृह से गोलोक भाई, जिस दिन घर में हरि कीर्तन हो हरि नाम हो वो घर नहीं वही घर वृंदावन है। वो घर क्या है? वो वृंदावन घर बन जाता है। देखो भैया को भी देखो गले में कंठ तिलक है, गला में कंठी हरि नाम, उसका बेटी को भी देखो इधर आजा क्या पढ़ाई कर रहे हो इधर आ गले जाती हो और क्या क्या बनने के लिए कोशिश कर रहे हो? डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कोशिश कर रही है। देखो गले में कटती तिलक लगाई हरिनाम करती है। जिस घर में भगवान का जिस घर में बच्चे सबसे सब भगवान की भक्ति करे ना वो घर भगवान का धाम हो जाता है। इसलिए आप लोग भी क्या करो घर में आप भी भजन करो, आप क्या करो बच्चों को भी क्या भजन आप भी भजन करो और बच्चों को भी भक्ति की संस्कार डालो, ठीक है ना। देखो ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनो ठीक से। एक दिन हमारे बड़े गुरु जी को किसी ने पूछा, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते। देख गुरु जी क्या बोले, बोले बेटा कभी रामायण पढ़े हो? बोले नहीं। बोले बच्चे को कभी रामायण पढ़ने के लिए बताया? बोले नहीं। बोले जब खुद रामायण पढ़ेगा नहीं बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसको तो यही दुर्गति होगी। कहाँ पर लिखा गया पिता माता की सेवा करनी चाहिए? रामायण में लिखा गया। कितना प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः माता। ठाकुर सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे? पिता माता की चरण छूते थे। अगर रामायण देखे होंगे जब दशरथ महाराज सैन्य किए हुए भगवान राम पिताजी की चरण सेवा कर रहे थे ना, देखे कि नहीं? रामायण पढ़ेगा तभी तो बच्चे को ऊपर संस्कार आएगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है हम तो बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं पढ़वाते नहीं, लेकिन उसको स्मार्टफोन दे देते हैं। दस बीस जब पबजी पबजी देखते इसलिए क्या करनी चाहिए? गुरु जी कहते थे पहला संस्कार किससे पड़ेगा? पिता माता से पड़ेगा। किससे पड़ेगा? माता पिता से संस्कार पड़ेगा। अगर माता पिता अगर भजन करे भक्ति करे तभी तो ये बच्चे को संस्कार पड़ेगा ना। अगर पिता माता खुद ही हरिनाम नहीं करते भजन नहीं करते पर बच्चों को पर संस्कार कहाँ पड़ सकती है? पड़ी नहीं सकती है। अगर आप चाहते हो आपका घर को अयोध्या बनाए, अयोध्या मतलब क्या है? जहाँ पर युद्ध नहीं होता है। अवध, अवध मतलब क्या? जहाँ पर कोई मरते नहीं। अगर तुम चाहते हो अपना घर अयोध्या और अवध बने
बेटम कैसे होनी चाहिए, राम जैसे बेटे हो, बहू कैसे हो, सीता जैसे बहू हो, और बच्चे कैसे हो, लव कुश जैसे बच्चे हो। बात हमारी घर ही अयोध्या है, मतलब जहाँ कहीं युद्ध नहीं हो, लड़ाई नहीं हो, जहाँ पर लड़ाई युद्ध कभी नहीं हो, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, भजन करो, भक्ति करो, हरिनाम करो, ठीक है। और बच्चों को अंदर में भी वही अच्छे संस्कार डालो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज जी बच्चे को हम आशीर्वाद देंगे। ये फूल दे दो तो सब हाथ में, यहाँ पर फूल था ना टोकरी में, कहाँ गया? सब हाथ में दो फूल, फटाफट दो, जल्दी जल्दी दो, बुलाओ भैया को भी बुला दो। ऐसे हमारे दिया दीदी, किधर आ जाओ।